हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए एनर्जीज क्या रहेगी, क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, और अभी वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके, एंड ये रीडिंग जनरल है, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, सो प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अभी इस पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। सो पहला है यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है इंटिमेसी, तीसरा है लव। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ लड़ाई हुई है, कुछ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में। या तो आप दोनों के बीच में आप बात नहीं कर रहे हो दूसरे से, या फिर ये पार्टनर जो है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हो तब भी कुछ ना प्रॉब्लम्स चल रही है रिश्ते में। तो ये पार्टनर ना बहुत अकेले हो गए आपके बिना, मतलब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं आपके बिना। और ये पार्टनर चाह रहे हैं कि आपके साथ ना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लें, और या तो आप इनके पास आ जाओ या फिर ये आपके पास आ जाए, और एक दूसरे को हक कर लो, माफ़ी मांग लो, और सब कुछ जो है ना वो ख़त्म करके एक नई शुरुआत करो एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये पार्टनर ना बहुत उदास हैं, अकेले हैं, ये पार्टनर डार्कनेस में है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, एंड ये पार्टनर ना बहुत एक इंटीमेसी फील करते हैं आपके साथ। ये पार्टनर चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में रहो और एक इंटीमेट टाइम जो है ना वो स्पेंड करो साथ में, एक दूसरे को हक करके आप लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, या फिर ये मोमेंट्स याद कर रहे हैं जब आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एक दूसरे, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज जो आप लोगों की थी इन दी पास्ट, उसको याद करके ये ना ये बहुत पर्सन उदास हो रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप बस आ जाओ इनके पास। ओके, एंड देन वी हैव लव, देन डेफिनेटली ये पार्टनर जो है ये बहुत लव करते हैं आपसे, प्यार ये बहुत करते हैं पार्टनर आपसे, भले ही आपसे एक्सप्रेस करते हैं नहीं करते हैं, बट इस पार्टनर के दिल में बहुत लव है आपके लिए। ओके, एंड कुछ ना कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं अभी, जिस वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, बट फिर भी ये पार्टनर रेडी है एक नई शुरुआत के लिए, एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग के लिए, बिकॉज ये पार्टनर ना आई थिंक अब बहुत अकेले हो चुके हैं आपके बिना, और अब ये चाह रहे हैं कि बस आप या आपसे मिलने और आपसे बात करें, या आपसे फोन पे बात करें, या आपसे मिलने आए, ऐसा कुछ। देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में करंटली। तो पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है द मून, तीसरा कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शायद थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, उनके पेरेंट्स हो, उनके कजन्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनका वर्क हो, ओके, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, राइट। एंड यहाँ पे द मून का कार्ड आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा रहे हैं आपसे, मतलब खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर या तो कुछ ना कोई ना कोई है जो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहा है, या तो आप इन्हें नहीं बता रहे हैं या फिर ये आपको नहीं बता रहे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक हाइडिंग गेम चल रहा है, राइट। एंड ये पार्टनर ना आई थिंक ऐसा भी है कि आप शायद इस पार्टनर को और इस रिश्ते को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो कि ये पार्टनर ना आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा भी कुछ चल रहा है शायद, ऐसा भी कुछ है। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपना इनर वर्क भी बहुत कर रहा है, स्पेशली आप जो हो ना वो अपना इनर वर्क कर रहे हो, और दोनों दोनों रेडी हो नई शुरुआत के लिए, दोनों रेडी हो न्यू बिगनिंग के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों तैयार हो कि एक नई शुरुआत हो, सब कुछ नया नया शुरू हो अब, क्योंकि बहुत हो गया अब एक दूर रहना, आप दोनों चाह रहे हो कि आप लोगों के बीच में एक खूबसूरत न्यू बिगनिंग हो जाए। बस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शायद ये ना कोई पर्सन है जो आपके बीच में आ रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन है, जैसे कि या तो ये उनकी मदर हो, या फिर आपकी मॉम हो, या फिर उनकी फैमिली का कोई मेम्बर हो, या कोई सिचुएशन हो, बट कुछ ना कुछ है जो आप दोनों को ना एक होने नहीं दे रहा है, जो नई शुरुआत को जो है रोक रहा है आपके बीच में। वो आपको बेटर पता है कि क्या है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, बट एनीथिंग, फॉर सम ऑफ यू देयर इज अ थर्ड पार्टी, बट एनीवे अब हम देखते हैं
कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर इन नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड आया है मूविंग ऑन, दूसरा कार्ड यहाँ आया है ट्रायम्फ। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ एक्शन। देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, और हमारे पास लास्ट कार्ड जो है वो है वाओ, वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट। डेफिनेटली गाइज, ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज। मैं देख रही हूँ ये पार्टनर ना इस डार्कनेस से निकल के इस लाइट में आ रहे हैं आपकी तरफ। इस पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आपसे दूर रह के ये सिर्फ डार्कनेस में ही रहेंगे, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। यहाँ पे भी ये पर्सन जो है ये डार्कनेस में है, तो अब ये इस डार्कनेस को छोड़ के लाइट में आ रहे हैं, या फिर आप इनको इस लाइट में लेके आ रहे हो। आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो इश्यूज़ है, वो सॉल्व कर रहे हो, और ये पार्टनर ना पेशेंस और प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इस पार्टनर ने बहुत पेशेंस रख रखा है और कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये आपके पास आने के लिए, या फिर हैं आपके पास, तो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा, कुछ यू नो, एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करो उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं ये। बट कुछ ना कुछ इस पार्टनर के माइंड में जो है ये प्लानिंग चल रही है, और ये पेशेंस भी रखे हुए हैं आपके लिए। देन वी हैव ट्रायम्फ, ये कार्ड है चैरियट का, तो डेफिनेटली ये पार्टनर, ये कार्ड है एक्शन का, तो एक्शन तो होगा गाइस। मे बी एक कॉल आए, एक मैसेज आया, खुद ही मिलने आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे कुछ बढ़ के कुछ हो जाए आपकी लाइफ में, राइट? तो एक्शन तो ये पार्टनर लेंगे। एंड देन वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, ये कार्ड है ट्विन फ्लेम सोलमेट का, फोर ऑफ वॉन्ड्स का, हैप्पी फैमिली का। तो गाइज, मे बी आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं या बात करवाएं, या फिर यू नो वो आपके साथ फैमिली प्लानिंग करें, या फिर आप उनके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉल्व हो जाएगी इन द नेक्स्ट 7 डेज। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप लोग ना प्लान करो अपना फ्यूचर साथ में, कि आप लोग कहाँ रहोगे साथ में, आपका घर कैसा होगा, ऐसा कुछ। बट कहीं ना कहीं ये पार्टनर ना आपको अपनी फैमिली का पार्ट देखते हैं या देखेंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज। कुछ ना कुछ तो होगा, एंड यहाँ पे आया भी है 77, तो कुछ ना कुछ होगा इन द नेक्स्ट 7 डेज। 77 कार्ड आया है, सो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है गाइस। बट जो भी होगा ना आपकी लाइफ में, पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। और देख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। तो यहाँ पे कार्ड आया है वर्दीनेस पहला, दूसरा आया है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, तीसरा आया है बाउंड्रीज, एंड देन वी हैव ओके द गार्डन। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कार्ड था और ये वाला जो कार्ड है, ये पार्टनर ना बहुत डार्कनेस में है अभी, तभी तो ये डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन है, ये पार्टनर डिस्टॉर्टेड है। पर इन द नेक्स्ट 7 डेज ये ना, ये अपना कुछ कुछ ना कुछ इनर वर्क करने वाले हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा विथ पेशेंस एंड प्लानिंग जो यहाँ पे कर रहे हैं ये। इनको आपकी वर्थ समझ में आएगी, वर्दीनेस, इनको ना आपकी वर्थ समझ में आ रही है। ये समझ रहे हैं कि चाहे इनके सामने कितने भी ऑप्शंस आ जाएं, लेकिन जो बात आप में है, जितने स्पेशल आप हो, उतना स्पेशल इनके लिए कोई नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई ये ना आपके साथ अब रेडी हैं इस अबंडेंस के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। और ये कार्ड है ऑफ डिवाइन फेमिनिन, तो ये देख रहे हैं कि आप जो हो बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ डिवाइन फेमिनिन हो, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो बाउंड्रीज बना रखी है इस पार्टनर ने आपके, जिसमें आपको नहीं आने देते हैं इस वक्त, वो उसको तोड़ के, उससे बाहर निकल के ये पार्टनर आ रहे हैं आपके पास। सो नेक्स्ट 7 डेज विल बी यू नो द डेज ऑफ एक्शन, कि आपके लिए पार्टनर आपके लिए एक्शन लें, आपके पास आए और अपनी फीलिंग्स जो हैं आपसे शेयर करें। इस तरह का कुछ होगा इन द नेक्स्ट 7 डेज। चलिए यहाँ से हम कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो पहला है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो सक्सेस आपकी है, चलते रहिए आगे। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो मे बी इस पार्टनर में बहुत प्राउड प्राउड प्राइड है, या फिर आप बहुत प्राउड ही हो, तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, अ फ्रेश स्टार्ट, तो नई शुरुआत हो रही है गाइस आपके बीच में। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, तो आपका जो बॉन्ड है, पीस है, वो आ रहा है रिश्ते में अगले 7 दिन में। वी हैव टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो आप बाहर जाइए, इंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ। क्रिएट वरी ओवर नथिंग, तो आप में से काफ़ी लोग शायद चिंता कर रहे हो, अब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है पर आप लोग चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो।
सिचुएशंस इन दी बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग. तो अभी सिचुएशंस जो है वो बैलेंस में है, पर उसको केयरफुली हैंडल करिए आप लोग. डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, तो आप में से काफ़ी लोग शायद डिससेटिस्फाइड हो या ये पार्टनर डिससेटिस्फाइड अपनी लाइफ के साथ, ही कुछ सही नहीं चल रहा है. पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो बिकॉज ऑफ एनी थिंग और एनी वन. समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो अभी ये पार्टनर जो है बहुत इनसिंसियर हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो अभी आप इन पर इतना टोटल डिपेंड मत हो. इनको टाइम दो, इनको स्पेस, जब तक इनको आपकी वैल्यू समझ में ना आए. डिप्रेशन एंग्जाइटी वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, तो आप में से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन है, एक थॉट है आपके माइंड में, कोई ना कोई है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपका रिश्ता जो है ख़राब कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको. टेम्प्ररी सिचुएशन, तो जो भी है सब कुछ ये सब टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है. ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, तो अभी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको ओवरकम करने हैं. एंड देन वी हैव लव, एग्जैक्टली, तो ये पार्टनर बहुत लव करते हैं आपसे, बहुत प्यार है, और आई थिंक ये अपना लव जो है ना ये आपको एक्सप्रेस करेंगे इन द नेक्स्ट 7 days. चलिए देखते हैं कि आपसे क्या कहने वाले हैं ये पार्टनर. वी हैव यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, तो आप दोनों मिलके सब सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे. यू आर फनी, आपको फनी भी मानते हैं ये. यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो आप इनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हो. यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, तो आप इनकी लिमिटेशन, इनकी जो स्पेस है उसको एक्सेप्ट करते हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो. यू मेक मी स्माइल, तो आप इनको बहुत स्माइल कराते हो, बहुत हैप्पी रखते हो. ओके गाइज, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू.